नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर वो कौन से सात प्रकार के कुल दीपक योग बनते हैं। आपने काफी बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति को आज से कुछ साल पहले कोई जानता भी नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा कर गुजरा या उसने ऐसा कुछ कर दिखाया कि उसके वजह से पूरी दुनिया उसे जानने लगती है और वो व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और वो व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करता है, अपने पूरे कुल की देखभाल करता है, अपने कुल को दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ाता है। तो ऐसा कौन सा योग है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि ये व्यक्ति की कुंडली में कुल दीपक योग है? तो आइए उसके बारे में बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं। आइए, जैसे आपने सुना होगा कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल दशम भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो कुल दीपक योग नाम का राजयोग बनता है। लेकिन सोचिए, अगर मंगल उच्च का हो रहा है लेकिन दशम भाव का स्वामी शनि अगर नीच का होता हो तो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो, छठवें आठवें बारहवें भाव में पीड़ित हो तो ये कुल दीपक योग की शुभता में कमी लाता है। और अगर एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करें, अगर मंगल दशम भाव में उच्च का होकर बैठा हो और दशम भाव का स्वामी शनि भी अगर स्वगृही या फिर उच्च का होकर केंद्र में या फिर त्रिकोण में बैठा हो तो ये कुल दीपक योग बहुत अच्छा फल देता है और ऐसे व्यक्ति अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। वैसा ही दूसरा योग है जो आपने सुना होगा कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल दशम भाव के अंदर मेष राशि के अंदर स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो तो भी कुल दीपक योग बनता है। लेकिन इसके अंदर और थोड़ा मैं ऐड करता हूं कि अगर स्वगृही मंगल के साथ अगर सूर्य उच्च का होकर बैठा हो, यानी कि दशम भाव के अंदर सूर्य मंगल एक साथ बैठे हो मेष राशि के अंदर और उसके ऊपर लग्नेश चंद्र और भाग्येश गुरु की शुभ सातवीं दृष्टि पड़ती हो तो जबरदस्त कुल दीपक योग बनता है और ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर, अपने देश के अंदर और दुनिया के अंदर नामना कमाते हैं और अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। उसके बाद तीसरा नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर दशम भाव के अंदर सूर्य सिंह राशि में स्वगृही होकर बैठा हो या फिर दशम भाव के अंदर सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर बैठा हो और उसके ऊपर चंद्र मंगल और गुरु, चंद्र मंगल और गुरु ये तीनों ग्रहों की शुभ दृष्टि दशम भाव के अंदर उच्च के सूर्य पे पड़ती हो तो भी कुल दीपक योग बनता है और ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों के वजह से दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, अपने देश के अंदर नामना कमाते हैं और अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। उसके बाद तीसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर लग्नाधिपति, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति कुंडली के तीनों तीन योग कारक ग्रह लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश ये तीनों तीन अंशात्मक युति करके दशम भाव में बैठे हो और दशम भाव का स्वामी ग्रह अगर अपनी सातवीं दृष्टि से अगर जो दशम भाव को देखता हो या फिर दशम भाव का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में कहीं बलवान होकर बैठा हो तो भी प्रबल कुल दीपक योग बनता है और ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से जाने जाते हैं और अपने कुल का नाम अपने समाज के अंदर, देश विदेश में रोशन करते हैं और देश विदेश के अंदर ख्याति प्राप्त करते हैं। उसके बाद चौथा नियम, अगर गुरु भाग्येश बनकर पहले पांचवे और नौवे भाव में बैठा हो, फिर से बताता हूं, अगर कुंडली के अंदर गुरु भाग्याधिपति ग्रह बनकर पहले
पांचवे और नौवे भाव में बैठा हो और दसम भाव के अंदर सूर्य या मंगल या फिर सूर्य मंगल दोनों एक साथ बैठे हो तो भी प्रबल कुल दीपक योग बनता है। और ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं और अपने कुल का नाम देश विदेश में रोशन करते हैं। उसके बाद छठवां नियम, दसम भाव के अंदर कोई ग्रह बलवान होकर पंच महापुरुष राजयोग बनाता हो और उसके ऊपर लग्नेश पंचमेश और भाग्येश की दृष्टि पड़ती हो, जैसे कि आप इधर देख सकते हो कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर गुरु उच्चका होकर हंस योग बनाता है। भले तुला लग्न की कुंडली के अंदर गुरु मारक है, छठवें स्थान का स्वामी होकर बैठा है, तीसरे स्थान का स्वामी होकर बैठा है, मारक है, मारक होकर भी उच्चका होकर बैठा है, लेकिन अगर उसके ऊपर लग्नेश पंचमेश और भाग्येश की दृष्टि पड़ती हो तो जबरदस्त कुल दीपक योग बनता है और ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान से जाने जाते हैं और ऐसे व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, ये भी देखा गया है। और अगर ये उच्चके गुरु के साथ केतु मिल जाए और गुरु केतु की युति धर्म ध्वजा योग बनाती है तो वो लोग पूरे देश के अंदर देश विदेश के अंदर भी नामना कमाते हैं, ये भी देखा गया है। उसके बाद सातवां नियम, अगर कुंडली के अंदर भाग्येश और कर्मेश, फिर से बोलता हूं, अगर जन्म कुंडली के अंदर भाग्याधिपति और कर्माधिपति ये दोनों ग्रहों की शुभ युति अगर पांचवें भाव में नौवें भाव में या दसवें भाव में होती हो तो भी प्रबल कुल दीपक योग बनता है। और अगर उसके ऊपर लग्नाधिपति की दृष्टि पड़ती हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति भी अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं और अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। ये योग बहुत ही असरदायी है जो मैंने अभी कहा। उसके बाद आखिरी एक नियम है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर दसम भाव के अंदर कोई ग्रह पंच महापुरुष राज्यों बनाता हो, जैसे कि मंगल स्वगृही या उच्चका होकर रुचक योग बनाता हो, बुध दसम भाव के अंदर स्वगृही या उच्चका होकर भद्र योग बनाता हो, गुरु दसम भाव के अंदर स्वगृही या उच्चका होकर हंस योग बनाता हो, या फिर शुक्र स्वगृही या उच्चका होकर मालव योग बनाता हो, या फिर शनि स्वगृही या उच्चका होकर सस योग बनाता हो, और उसके ऊपर कुंडली के तीन कारक ग्रह, कुंडली के तीन योग कारक ग्रह कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि डालते हो, या फिर ये तीनों ग्रह बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो तो भी जबरदस्त कुल दीपक योग बनता है। और ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता और वो व्यक्ति अपने कर्मों के वजह से अपने समाज में अपने देश में नामना कमाता है और अपने कुल का नाम रोशन करता है। अभी प्रश्न उठता है कि ये कुल दीपक योग बन भी रहा है तो उसका फल कब मिलेगा? तो सुनिए, जो ग्रह कुल दीपक योग बनाता है उस ग्रह की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा के अंदर वो योग एक्टिव हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में वो कुछ ऐसा कर गुजरता है कि जिसके वजह से उसकी नामना बढ़ जाती है, ये भी देखा है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको सात प्रकार के अलग अलग कुल दीपक योग बताए हैं और ये योग बहुत ही असरदायी है। मैंने ये खुद आजमा के देखे हैं, आप लोग भी इन योगों को एक बार आजमा के देखना, निश्चित ये योग आपको बहुत अच्छा फल देते हुए दिखाई देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।